भद्राचार्य जी हैं वो खुद मौजूद हैं। नमस्कार जगतगुरु जी, मैं अर्णब गोस्वामी बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आयुष्मान निधि हो, आपका मंगल हो। चरण स्पर्श जगतगुरु जी, चरण स्पर्श। मेरा स्वर आप तक जा रहा है? जी बिल्कुल आ रही है। और सारा देश, अर्णव जी, सारा देश आज इस प्रोग्राम को देख रहा है लाइव। सब आपकी आपकी बात कल जो आपने कही उस पर चर्चा चल रही है पूरे देश भर में। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है जगतगुरु जी, कि हमें वेद पुराणों में सीख मिली है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये जो इंडी गठबंधन है, इनको क्या हो गया है जगतगुरु जी? ये सनातन धर्म, सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के विनाश की बात करके क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूंगा इंडी गठबंधन के लिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश निश्चित हो चुका है, इसे इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। सनातन परंपरा भारत का प्राण है, वेदों में भी पुराणों में भी एष धर्म सनातन, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में यतो धर्म सनातन कहा जाता है। सनातन धर्म का कोई भी अनुच्छेद भारतीय संस्कृति के विभाजन की बात नहीं करता। सनातन धर्म ही एक ऐसा है अर्णव जी जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म कहता है समगच्छध्वं समवदध्वं संभो मनांस जानताम, देवा पूर्वे यथाभागम यथा सर्वे उपासते। इसलिए सनातन धर्म कभी विभाजन की बात नहीं करता, वह तो गोमुख से गंगा सागर पर्यंत और कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यंत अखंड भारत की बात करता है। हेलो, अखंड था और अखंड रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत। हेलो, राम भद्राचार्य जी, स्वामी जी, गुरुदेव, आपको मेरी आवाज आ रही है? पूरी आ रही है, पूरी। मैं फिर से पूछूंगा आपको कि सनातन तो अखंड है, आपको जैसे कि आपने कहा जिसका ना आदि है ना अंत। ये नया नवेला जो इंडी गठबंधन है, इसके खंड खंड की बात क्यों कर रहा है? इसके खंड खंड की बात कर रहा है और कोई स्टेटमेंट नहीं आई है उनकी ओर से अब तक। मैं उत्तर दे रहा हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश काल निकट आ गया, इसलिए इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है।